कल का मैच पटना वाला टफ होने वाला था, हम सबको पता है। हमारे हिसाब से वो मैच गया नहीं, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट ऐसा है कि हम वो मैच जीत नहीं पाए। लेकिन जस्ट बिकॉज वो मैच जीते नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला। उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, काफ़ी हद तक वो टीम पे हम हावी पड़ भी रहे थे। लास्ट में जाके कुछ गलतियाँ हुई हमारे तरफ से, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, हम अगली बार पक्का सुधारेंगे उसको। उसकी वजह से वो मैच हमारे फेवर में नहीं आ पाया। लेकिन कल जिनको हमने सोचा है कि प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाए, उनका परफॉर्मेंस ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, जो कि हर बार हम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए हम वैसे ही परफॉर्मेंस देखते हैं कि सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, वो हर जगह से टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए। तो उसमें रेड में भी पॉइंट है, उसमें डिफेंस में भी पॉइंट है, और आई थिंक टीम के लिए काफ़ी अच्छा गेम खेला था। तो कल के मैच के लिए माचो प्लेयर ऑफ द मैच आशीष। ये कि अगला मैच हमें जो डिफेंस से गलतियाँ आई, अगली बार अगले मैच में गलतियाँ ना करें और बढ़िया डिफेंस हो खेले, जो सोचा जो हमारा प्लान है उस पर हम रहें, अगला मैच जीत के आएंगे।